बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने चिकन ले लिया था, इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। साथ ही थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन रख लेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड कर लेंगे। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके अंदर पानी खुश्क हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक प्याज ले लिया था, उसको चॉप कर लिया, थोड़ा ऐड कर लेंगे। इसको हम इतना पकाएंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम ऑयल ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 कप दही ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम 2 कुटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। वन टीस्पून व्हाइट पेपर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 कप दूध ऐड कर लेंगे। तीन से चार टेबल स्पून और ऊपर क्रीम ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी क्रीम और ऐड कर लेंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई रेडी है। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनकर तैयार हुई थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है।
इफ़ार स्पेशल रेसिपी है, आप इसको बनाकर इफ़ार में सर्व कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी।